शाबान के महीने में उन लोगों के नाम लिख दिए जाते हैं जिनकी रूहें इस साल कब्ज की जाएंगी। हजरत आयशा सद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया, या रसूलुल्लाह, आप इस माह शाबान में इस कसरत से रोजे क्यों रखते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस महीने में हर उस शख्स का नाम मलिकुल मौत के हवाले कर दिया जाता है जिनकी रूहें इस साल में कब्ज की जाएंगी। लिहाजा मैं इस बात को पसंद करता हूँ कि मेरा नाम इस हाल में हवाले किया जाए कि मैं रोजेदार हूँ। एक और हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मफहूम है कि पांच रातें ऐसी हैं जिसमें दुआ रद्द नहीं होती। नंबर एक, जुम्मे की रात यानी जुमेरात और जुम्मे की दरमियानी शब। नंबर दो, रजब की पहली रात यानी रजब की चांद रात। नंबर तीन, निस शाबान की रात यानी शाबान की पंद्रहवीं रात। नंबर चार, ईद उल फितर की चांद रात। और नंबर पांच, ईद उल अजहा की रात यानी जिलहज्जा की दसवीं रात। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें माह शाबान में रमजानुल मुबारक की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। इस वीडियो को शेयर जरूर करें, हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए।